अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और एक नए व्लॉग के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। तो आज मैं आपको उसी पॉइंट पे ले आई हूँ जहाँ पे कल हमने अपनी वीडियो का एंड किया था, जहाँ हमने छोटी सी पिकनिक बनाई थी। और आज माशाल्लाह सूरज जो है ना अपनी आबोताब से निकला हुआ है, और मुझे बहुत सस्पेंस था कि इससे क्या आगे, क्या इससे आगे जाते हैं। मैंने आगे कुछ भी नहीं देखा हुआ, तो आज फिर बच्चों को साथ लेकर आ गई हूँ। आज रोल शू पहन के आई हैं ये, ताकि जल्दी जल्दी चल सकें। तो चलिए फिर देखते हैं इससे आगे है क्या। तो फातिमा जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं बैठ रही किंडर वैगन में, मतलब मैं ऐसे खाली खाली चला रही हूँ और वो चल रही है, खुद थकी है शायद बैठ बैठ के, खुश हो रही है चलते हुए। तकरीबन 20 मिनट हो गया हमें चलते हुए। हाँ तो मैंने बताया था, हाँ 20-25 मिनट हो गया हमें चलते हुए, और इसका कोई सिरा नहीं है ये कहाँ पे जाके निकलेगा रास्ता, कहाँ पे इसका एंड होना है। हम काफी चल चल के और बच्चे थक चुके हैं, और छोटी सी ब्रेक हो रही है। आप खाओ। और दुआ फातिमा का तो बिल्कुल सुकून नहीं है, बोलती है बस नीचे ही रखो मुझे चलने के लिए। लेकिन है बहुत ही खूबसूरत और पुरसकून एरिया, ऐसे दिमाग को सुकून दिलाने के लिए अच्छा है। दुनिया के हंगामों से निकल के दूर यहाँ पे आ जाओ एंजॉय करने। थोड़ा सा ब्रेक करने के बाद अब हम आगे की तरफ जा रही हैं, देखते हैं कोई सिरा शायद इसका नजर आ जाए। अगर नहीं नजर आएगा तो फिर हम वापस चले जाएंगे, क्योंकि अभी सुबह स्कूल भी जाना है बच्चों ने, फिर ज़्यादा थका दिया तो काम ठीक नहीं है। यहाँ पे साइकिलें बहुत ज़्यादा आती हैं, बार बार हमें साइड पर होना पड़ता है। है थोड़ा सा ही चलाया, और 5 मिनट में ये देखिए एक छोटा सा पार्क आ गया, और बच्चे जो है ना खुश हो गए। ये भी अच्छा है, थोड़ा एंजॉय कर लेंगी। चल के देखते हैं कि है क्या इसमें। उतार लो थोड़ी देर के लिए, हरीम के पाँव में पेन होना शुरू हो गया। उतार लो थोड़ी देर, थोड़ा पौजे करो। इसमें ये है कुछ, शायद बारिश से बचने के लिए अच्छा है। और यहाँ पे है एक स्लाइड, बारिश हुई थी ना तो काफी गीला है घास, नीचे से गीली गीली घास। हाँ शौकल भी है। हाँ लो शूज उतारे हैं तो थोड़ी खुश हुई है। वहां पे बैठने की जगह है बेंच, और यहाँ पे मुझे लगता है कि ग्रिल करने की जगह है। यहाँ पे आप मतलब लोग आते हैं ग्रिल करने, अच्छी जगह है वैसे। आ जाओ, उसके शूज तो गीले हो गए होंगे ना इतनी गीली घास। Dua, willst du auch einmal rutschen? Ja? Ah, nicht essen. Dua, ab side pe ho jao. आप ही आ रही है ऊपर से। पीप पीप। स्टॉप 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 स्टॉप। गुड़ाई झूला है। मुझे लगा गुड़ाई है। आ सो। चाहिए था। ये देखें, ये है ग्रिल के लिए जगह बनी हुई है। यहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं, आग जला के ग्रिलिंग करें, और मजे से बच्चे खेलें और बड़े यहाँ बैठ के एंजॉय करें। मुझे लगता है ये एंड ही है, इससे आगे बाहर ही निकलेगा ये रास्ता। आखिर जाना कहाँ तक था इसमें, थोड़ा सा नज़र डालते हैं। लेकिन नहीं, ये तो काफ़ी लंबा है, इससे आगे जाने की हिम्मत नहीं है। ये फिर किसी दिन आएंगे, क्योंकि
इतना बहुत है आज के लिए। तो मैं आज की वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी और कुछ दिखाने को है नहीं, ना ही मैं आगे जा रही हूँ, तो यहीं से वापस चले जाऊँगी, वही रास्ते, वही मंजर, वही दरख्त, वही सब कुछ, तो इसलिए यहीं पे एंड। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इतनी दूर दूर आती हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँ, और ज़्यादा आगे जाऊँ, इससे भी आगे आपको लेकर जाऊँ और दिखाऊँ कि और क्या कुछ है इस रास्ते में। तो कीप सपोर्टिंग मी, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। देखो।